नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट। सबसे पहले मैं हमेशा की तरह धन्यवाद करता हूं डॉक्टर भरत गोयल का, प्रोफेसर अमित धवन का, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को फेसबुक पर शेयर किया जिसमें हमने जिक्र किया था हाउ टू मेक मल्टीप्लीकेशन इजी, गुणा करने को किस तरह से आसान बनाया जाए। उसे पिछली वीडियोस में भी हम यही बात कर रहे थे। हमने वैदिक मेथड्स की, वैदिक टेक्निक्स के बारे में भी बात की, तो आज भी हम इसी चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे सबसे आसान तरीका एक से लेके 100 तक के किसी भी नंबर के स्क्वायर को फाइंड करने का। दैट मीन्स द इजिएस्ट मेथड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर बिटवीन 1 and 100। तो चलिए हम कोई भी एक नंबर लेकर शुरू कर देते हैं। मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 43। तो इसमें हमें करना क्या है कि इस नंबर में से आप 25 जो है वो माइनस कर दीजिए, और इसी नंबर को आप, अगर ये नंबर 50 से बड़ा है तो इसमें से 50 माइनस कर दीजिए, और अगर ये नंबर 50 से छोटा है तो इसको 50 में से माइनस कर दीजिए। अब 43 माइनस 25 आपको पता है 18, और उधर 50 माइनस 43 भी आपको मालूम है 7, और इस नंबर का आप कर लीजिए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आपके पास आ गया 49। तो अब आप इस नंबर को देखिए, ये नंबर आपके पास क्या बन गया, 1849। हैरान होने की जरूरत नहीं है, यही है स्क्वायर ऑफ द नंबर 43। और भी एग्जांपल देते हैं, आपको लग रहा होगा कि एक ही नंबर से शायद यहां पर काम चल जाए, आगे नहीं चलेगा, तो कोई और नंबर ले लीजिए। चलिए हम थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए आपने नंबर ले लिया 59। तो हम काम वही करेंगे, पहले 59 में से हम माइनस करेंगे 25 को, और उधर हम 59 में से माइनस करेंगे 50 को, क्योंकि 59 बड़ा है। तो 59 में से 25 को आपने करना है माइनस, आपके जवाब आ गया आपके पास 34, और उधर 59 में से आपने 50 को माइनस किया तो आ गया 9, और इस 9 का आपने करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर आ गया 81। तो यहां देखिए ये आपके पास बन चुका है 3481, जो कि है स्क्वायर ऑफ द नंबर 59। और देखिए कोई और नंबर ले सकते हैं, किसी और नंबर के साथ करके देखते हैं कि क्या बनेगा, थोड़ा सा नंबर और बड़ा कर देते हैं। हम ले लेते हैं नंबर आपके साथ 65। तो 65 का स्क्वायर करके देखिए, इधर आप कीजिए 65 माइनस 25, इधर आप करेंगे 65 माइनस 50। अब 65 माइनस 25 40, बहुत आसान है। 65 माइनस 50 ये भी बहुत आसान है 15, और इसका हमें स्क्वायर भी करना है 225। लेकिन अब थोड़ी सी समस्या आ गई है कि यहां पर 3 अंक आ चुके हैं और हमें तो चाहिए सिर्फ 2, तो जो तीसरा है ये कैरी होकर इस तरफ आपका ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 40 और 2 ये हो गए 42, और उधर आपके पास था 25, तो अब ये आपका नंबर बन गया 4225, जो कि स्क्वायर है 65 का। तो दोस्तों ये एक मेथड है स्क्वायर को फाइंड करने का। एक और मेथड की जिक्र करते हैं जिससे हम स्क्वायर को और भी आसान बना सकते हैं। तो लीजिए एक और मेथड की तरफ जाते हैं। दूसरे मेथड के लिए हमें जो नजदीकी 5 का मल्टीपल नंबर है उसका स्क्वायर हमें मालूम होना चाहिए। इसका मतलब हमें 5 का स्क्वायर मालूम होना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर आप सभी को पता है 100, 15 का स्क्वायर ये भी आप जानते हैं 225, 20 का स्क्वायर बहुत आसान है 400, 25 का स्क्वायर आप कई बार प्रयोग करते हैं 625, 30 का स्क्वायर बहुत ही आसान है 900, 35 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 1225, 40 का स्क्वायर आपको मालूम है 1600, 45 का स्क्वायर बहुत ही आसान है 2025, 50 का स्क्वायर आप जानते हैं 2500, 55 का स्क्वायर भी आसान है 3125, 60 का स्क्वायर बहुत ही आसान है 3600, 65 का स्क्वायर
ये भी आसान है, अभी हमने किया था 42 25। 70 का स्क्वायर बहुत ही आसान है 49 सौ। 75 का स्क्वायर ये भी आसान है 56 25। 80 का स्क्वायर बहुत ही आसान है 6400। 85 का स्क्वायर ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं 72 25। 90 का स्क्वायर 8100 और 95 का स्क्वायर भी आपको मालूम है 9025 यानी कि 90 25। अब बात करते हैं कि बाकी नंबर का स्क्वायर किस तरह से फाइंड किया जाए। तो चलिए हम चलते हैं किसी भी एक नंबर को लेकर। चलिए पहले थोड़ा सा एक आसान सी एक्सरसाइज करते हैं। हम नंबर ले लेते हैं 64। तो हमें अब 64 का स्क्वायर चाहिए कितना होता है, हमें 64 का स्क्वायर तो मालूम नहीं, लेकिन जो नजदीकी 5 का मल्टीपल है 65 हमें उसका स्क्वायर मालूम है 42 25। तो आपने करना क्या है, इस 42 25 में जो कि हमारा 64 के नजदीकी 5 का मल्टीपल है, 5 का गुणक है, उसका जो स्क्वायर है, क्योंकि ये नंबर 65 से छोटा है, तो इसमें से आपने एक बार 65 और एक बार क्योंकि आप 64 पर पहुंचना चाहते हैं तो एक बार 64 हाथ दो बार इसको कर दीजिए माइनस। तो देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आने वाला है, तो ये बन जाएगा आपके पास 42 125 माइनस 65 और 64 हो गए 129। अब आप इसमें से 129 कर दीजिए माइनस, तो ये आ गया 40 96। हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये 64 का स्क्वायर आपके पास आ चुका है। अब आप कहेंगे ये तो 65 से छोटा था तो हमने माइनस कर दिया, अगर 65 से बड़ा होता चलिए ठीक है हम 66 लेकर देख लेते हैं। 66 का स्क्वायर करना है, एक बार फिर आपको 65 का स्क्वायर मालूम है तो चलिए 65 का स्क्वायर लिख लेते हैं 42 25। पिछली बार हमने क्या किया था कि इसमें से 65 माइनस किया था और 64 माइनस किया था, अब क्या करेंगे आप खुद समझ सकते हैं, इसमें 65 जोड़ देंगे और एक बार 66 जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 42 25 और प्लस इन दोनों का जोड़ हो गया 131। तो इस नंबर में आप 131 और जोड़ दीजिए तो ये आ गया 4 3 5 6, तो ये आ गया स्क्वायर ऑफ 66। अब आप 67 का स्क्वायर भी जानना चाहते होंगे तो ठीक है 67 का स्क्वायर देखिए, 66 का स्क्वायर आपको पता लग ही चुका है 43 56। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने 65 के स्क्वायर में 65 और 66 प्लस किया तो 66 का स्क्वायर आ गया, 67 का स्क्वायर करना है तो 66 के स्क्वायर में आप 66 और 67 67 प्लस कर दीजिए तो ये आ गया आपके पास 4 3 5 6 और पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा 133। अब 133 हर उसमें जोड़ दीजिए तो ये आ गया आपके पास 4 4 8 9। हो गया ना स्क्वायर बनाना आसान। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर जो 1 से लेकर 100 के बीच में है उसका स्क्वायर बहुत ही कम समय में या यूं कहिए कि 3 या 4 सेकंड में ही पता लगा सकते हैं। ये मेथड मुझे लगता है कि आपको बहुत काम आने वाला है, खास करके कंपटीशन के एग्जाम्स में या जो बच्चे 6th 7th 8th खास करके जो 8th क्लास में पढ़ते हैं उनके सिलेबस में होता है स्क्वायर्स एंड क्यूब, तो उनके लिए स्क्वायर निकालना सोचिए कितना आसान हो गया। तो ये बहुत ही आसान तरीका है स्क्वायर निकालने का। तो एक बार फिर इस मेथड को, इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, खास करके उन स्टूडेंट्स के साथ जो 6th 7th 8th क्लास में हैं या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर आपका सभी का मैं धन्यवाद करता हूं अग्रिम रूप से कि आप मेरे इस वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो एक बार मित्रों